बिज़ मिलमानी रिंग दीज रैप्स आर सो डिलीशियस सुपर इजी टू मेक सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और इतने डिवाइन बनते हैं दैट यू हैव टू गिव अ ट्राई इसको रमज़ान में अफ्तारी में बनाएं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका गलत होगा तो आपका ज़ायक़ा ख़राब हो जाएगा दे टर्न आउट सो डैम गर्ट कि इसके बाद आप बाहर से रैप्स लेना छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे अपने सैलड तैयार कर लिया सैलड के अंदर सिंपल सी चीज़ें जो वेजिटेबल पसंद है उनको ऐड करें ब्लैक पेपर डालें सॉल्ट डालें रख दें सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे हम मायो गार्लिक मायो ले रही हूँ आप चाहें तो सिर्फ़ एक मायो भी ले सकते हैं थोड़ा सा अंदर मस्टर्ड सॉस जाएगा ज़्यादा नहीं डालना उसके बाद मैं यहाँ पर चिली गार्लिक कैचअ डाल रही हूँ और सिंपल कैचअ भी डालूंगी थाइम या औरगैनो या कुछ भी अगर आपके पास हर्ब्स हैं आपको पसंद है तो आप अपनी सॉस में ऐड कर सकते हैं और सॉस क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होती है तो उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में करने के लिए मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर देती हूँ मुझे अपनी सॉस थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए थी तो मैंने चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया ऑप्शनल है यहाँ पे हमारा चिकन तैयार हो चुका था यहाँ पे मैंने इस कंपनी के रैप्स यूज़ किए हैं जो कि रोटी घर के नाम से है इनके रैप्स बहुत अच्छे होते हैं आप इसको जैसे मर्जी फोल्ड करेंगे बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होते हैं उसके बाद अपने सारे लेयर्स लगाएँ चीज़ लगाएं और रैप्स को बंद करने के बहुत सी लाइक इसकी टेक्निक्स हैं जिस तरह से आपको पसंद आप उस तरह से बंद कर लें मैंने यहाँ एक इस तरह से बंद किया था दूसरा मैंने पॉकेट स्टाइल में बंद किया था और तीसरे वाला मैंने लंबे स्टाइल में बंद किया था जैसे शुर्मा बंद होता है जब आप इसको अगर शुर्मे वाली शेप में बंद करना चाहते हो तो नीचे से आप इसको बटर पेपर में रैप कर दीजिएगा ताकि खुलेगा नहीं इसको इसके बाद आप लोग ने आराम से फ्राइंग पैन पर रख के टॉस कर लेना ताकि थोड़ा सा रेड हो जाए और उसके बाद इसको कट करें और इन्जॉय करें तेरह टर्न आउट सो डैम गर्ड बहुत ईजी है बनाने में और बहुत ही यमी लिशस होते हैं आप इसको लाजमी ट्राई करें यू विल लव इट इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब मैं रोज़ रेसीपीज़ अपलोड करूँगी जो कि आप रमदार में ट्राई कर सकते हैं